नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दीपावली का शुभ मंत्र, जी हां, दिवाली यानी प्रकाश का त्योहार, दिवाली यानी मां लक्ष्मी के आगमन का त्योहार, दिवाली यानी शुभता का त्योहार। दिवाली से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। माना ये भी जाता है कि इस दिन भगवान राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे और अयोध्या में भगवान राम और मां सीता के स्वागत के लिए दीप जलाए गए थे। ये भी माना जाता है जिस दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई, इसी दिन का दीपावली के रूप में मनाया जाता है त्योहार की तरह। इस बार आपकी दिवाली कैसे रहने वाली है, कैसे आप मां लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और क्या खास उपाय आप शुभ लाभ का वरदान हासिल कर सकते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आज जानेंगे और साथ ही बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ हैं देश के बड़े ज्योतिष आचार्य चिराग बेजान दारूवाला जी। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास शो में। श्री गणेशाय नमः। आचार्य जी, दीपावली का त्योहार कई खुशियां लेकर आता है। दीपावली का त्योहार इसीलिए भी खास है क्योंकि मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस बार दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कब की जाए और किन बातों का ध्यान रखना है। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो दीपावली की और नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये आने वाला नया साल, ये दिवाली आपके जीवन में रोशनी लेकर आए, आपके जीवन में तेज लेकर आए और जो जो चीज़ें आपने पिछले साल नहीं कर पाए थे, जहाँ जहाँ अटक रहे थे, वो सभी कार्य आपके अच्छी तरह से पूर्ण हो। अमावस्या तिथि है जो प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर को 3:52 पर। वापिस से आप सुन लीजिए, 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर को 3:52 पर। और अमावस्या तिथि समाप्त कब होगी, 1 नवंबर 2024 को शाम को 6:16 पर। कब फिनिश होगी, समाप्त कब होगी, 1 नवंबर 2024 को शाम को 6:16 पर। अब प्रदोष काल का समय क्या है, शाम 5:12 से लेकर शाम 7:43 तक। लक्ष्मी जी का जो पूजा करने का जो मुहूर्त है वो क्या है, शाम के 5:12 से लेकर शाम के 6:16 तक का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। और इस समय आप पूजा करते हैं तो जरूर से माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसी रहेगी। तो शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, ये तो आपको आचार्य जी ने बता ही दिया, लेकिन दीपावली में सबसे खास होता है पूजा। तो आचार्य जी देखिए, पूजा करना बहुत ही खास है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, पूजा कैसे करें आचार्य जी? देखिए, पूजा करने के ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। भूमि को शुद्ध करके या नवग्रह यंत्र स्थापित करके एक थाली में आपको नवग्रह बनाना है। इसके साथ ही तांबे का कलश बनाकर उसमें गंगा जल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डालकर लाल कपड़े से ढक दें और एक कच्चे नारियल को कलावा से बांध दें। जहां नवग्रह यंत्र बनाया गया है वहां आप रुपए, सोने या चांदी के सिक्के, लक्ष्मी जी या फिर मिट्टी से बनी मूर्तियां, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की या ब्राह्मण, विष्णु, महेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र आप सजाएं। अगर धातु की मूर्ति है तो उसे साक्षात स्वरूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से आपको स्नान कराना है और चंदन से श्रृंगार करने के बाद फूल आदि से आपको सजाना है। उसके दाई और पंचमुखी दीपक जरूर जलाएं, जिसमें घी या तेल इस्तेमाल हो। लक्ष्मी जी की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, हाथ में अक्षत, फूल और आपको जल लेना है, कुछ पैसे भी लेने हैं। यह सब आपको हाथ में लेकर संकट संकल्प मंत्र पढ़ते हुए सारे संकल्प आपको करने हैं कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान, अमुक समय, अमुक देवता की पूजा करने यहाँ पर जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रों के अनुसार फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी और गौरी जी की आपको पूजा करनी है, हाथ में जल लेकर आह्वान और पूजा मंत्र आपको जाप करना है।
ओम दीपावलय नमः और पूजन सामग्री आपको अर्पित करनी है। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर नवग्रह स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। अंत में महालक्ष्मी जी की आरती के साथ पूजा का आपको समापन करना है। माँ लक्ष्मी को बहुत चंचल माना जाता है, लक्ष्मी जी बहुत ही चंचल है। दिवाली पर उनकी पूजा में कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप देवी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। दिवाली पर विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक अमावस्या को माँ लक्ष्मी जी स्वयं रात्रि में पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और घर घर विचरण करती है। यही कारण है कि दिवाली के दिन घरों में चारों तरफ दिए जलाकर रोशनी की जाती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां पर साफ सफाई होती है और पूरा घर रोशनी से जगमगाता है। और दूसरा, अपने घर पर कोई भी प्रकार का जितना भी झगड़ा आपको लग रहा है, इन दिनों आपको कोई भी झगड़ा नहीं करना है, मन को शांत रखना है। तभी क्यों, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी वहीं पर जाती है, एक तो जहाँ साफ सफाई होती है और दूसरा जिस घर में शांति हो, जिस घर में प्रेम दिखे, वहीं माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो राशियों की बात की जाए तो दिवाली के बाद आने वाला नया साल किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जानेंगे। शुरुआत मेष राशि से आचार्य जी। दोस्तों, नया साल मेष राशि वालों के लिए गणेश जी कहते हैं कि बहुत सफलतापूर्वक रहेगा। आगे बढ़ने के आपको मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज का भंडार मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी शुभ रहेगा। आप यह कह सकते हैं कि ये नए साल में आपके जीवन का एक यू टर्न होगा, यानी कि जहाँ जहाँ आपने मेहनत की थी, जिसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, उसका परिणाम आपको मिलने लगेगा। नया साल चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो व्यापारी हो या फिर वो स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए नया साल बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल, तो मेष राशि वालों के लिए खासतौर पर हम कह सकते हैं आचार्य जी की बहुत अच्छा रहने अच्छा वाला है नया साल। पॉजिटिव रहेगा और इस पॉजिटिविटी को कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस में ही रहे तो बहुत अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि की। तो आचार्य जी बताइए, वृषभ राशि वालों के लिए कितना खास होगा? गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, यह वर्ष आपके लिए कई शुभ अवसर, उपलब्धियां और विकास लेकर आ रहा है। संबंधों में सुधार होगा, पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। सूर्य और गुरु की गोचर, उनकी कृपा से आपको पूरे वर्ष शुभ फल प्राप्त होंगे। इस साल आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी रहेंगे। आपका जो मन भटक रहा था तो वो मन अब नहीं भटकेगा, ध्यान नहीं भटकेगा। हमारी तरफ से आपको एक ही सजेशन है कि एक कार्य के ऊपर फोकस करें, एक साथ दो या तीन कार्य ना करें, एक कार्य करते हैं तो अच्छी तरह से आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करेंगे मिथुन राशि की भी कि आपकी दीपावली कैसी रहेगी, तो बताइए आचार्य जी। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, कोई भी चीज में ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। आप क्रिएटिव है, आप इंडिपेंडेंट है, तो आपके लिए क्या शब्द है, आपको खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, किसी के भरोसे ना रहें। दूसरा, किसी से उम्मीदें ना रखें, उम्मीदें रखेंगे तो आपकी उम्मीदें टूट सकती है, फिर आपको क्या होगा, निराशाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि उम्मीदें ना रखें, खुद के ऊपर भरोसा रखकर आपको नए साल में कार्य करना है। इस नए साल में आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, और अगर आपके पार्टनर के साथ शायद बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी तो आपको वो जो पहल है वो आपको करनी है। संबंधों में वापस से सुधार देखने को मिल सकता है। आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है, एक ही कार्य के ऊपर आपको फोकस करना है। इस साल चीजों के बारे में आपकी जो समझ है वो बढ़ेगी, आप कुछ नया सीखेंगे। साल की शुरुआत में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। जून मध्य के बाद बेहतर स्थितियां बनेगी। नया साल आपके लिए समझ, संतुलन और सावधानी से आगे बढ़ने वाला साल है। किसी भी कार्य को परख कर ही करें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशि की। तो हमारी अगली राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए क्या कहते हैं गणेश जी आचार्य? अब हम आएंगे चौथी राशि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों,
जो आपके जीवन में इंस्टेबिलिटी चल रही थी, लाइफ ऐसे ऐसे चल रही थी, जिगजैग, उतार चढ़ाव, तो ये नए साल में आप स्टेबल होता आपको नजर आएगा। नए साल में संबंधों में सुधार होगा, आप नए नए प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे और वो लोग आपको जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके व्यापार में आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। और सबसे अच्छी चीज क्या होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जबरदस्त रहेगा। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अति आत्मविश्वास नुकसानकारक साबित हो सकता है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में आप ना फंसे। महत्वपूर्ण कार्यों को शुरुआती महीनों में ही आपको पूरा करने की कोशिश करनी है। आपके अंदर साहस, उत्साह और कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, जिससे आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक मामलों को मई से पहले पूरा करने की आप कोशिश करें, और अगर आप अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी से 3 महीने, नए साल के 3 महीने बहुत ही बेहतरीन है। आपके खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बिल्कुल, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए आचार्य जी बताइए कितना खास रहेगा। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े हैं, जो लोग ट्रेडर्स हैं, दलाली का व्यापार कर रहे हैं, ब्रोकर्स हैं, उनके लिए नया साल बहुत ही बेहतरीन है। आपको कुछ अच्छे संपर्क मिलेंगे, आप मजबूत लोगों के संपर्क में आएंगे, आपका जो नेटवर्किंग है वो बढ़ेगा। करियर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आने की भी संभावना है। नए साल में धन लाभ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकता है, व्यापार में आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज़ यह होगी कि आप जो चीज़ों को सोच रहे थे, जो आपके टारगेट्स थे, जो मंजिल पर आप जाना चाहते थे, वो मंजिल पर आप बहुत आसानी से जा पाएंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। और कोई भी प्रकार का अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, व्यापार में, तो बदलाव के लिए नया साल बेहतरीन है। अटके हुए काम आंतरिक बल और लगन के साथ बनेंगे। कोई शुभ समाचार आपको प्रसन्न करेगा। अपनों के बेवजह के विपरीत शब्द मानसिक कष्ट दे सकते हैं, इसलिए कोई भी चीज में आपको ज्यादा विचार नहीं करना है। वाद विवादों से आपको बचना है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो तकलीफें बढ़ सकती है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि की भी। तो कन्या राशि के लिए बताइए आचार्य जी कितना खास रहने वाला है। गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, आपके लिए एक ही स्लोगन है, नाउ और नेवर। जो करना है कर लीजिए। आपको अपनी जो स्पीड है, जो प्रोफेशनल लाइफ की जो रफ्तार है, उसे बढ़ानी होगी। आलस का आपको त्याग करना है, अब आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है। कोई भी चीज में ज्यादा विचार ना करें, डायरेक्टली आपको कार्य करना है। कंफ्यूजन को दूर करें। आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप लास्ट फिंगर में मोती पहन सकते हैं, उससे क्या होगा, चंद्र आपका मजबूत होगा। चंद्र मजबूत होगा तो क्या होगा, चंद्र मन का कारक है, यानी मेंटली आप शांत रहेंगे, और मेंटली जब शांत रहते हैं तो आप बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो नए साल में आप प्रयत्न करिए। नया साल आपके जीवन में खुशियों का आगमन कराएगा, नया साल आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएगा। और सबसे अच्छी चीज आपके साथ यह हो सकती है कि आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे आपके व्यापार के लिए, आपके कार्य के लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, तो बिजनेस पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं। ये नए साल में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद आप कह सकते हैं ब्लेसिंग के तौर पर आपको मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए क्या आचार्य जी, कैसा रहेगा दिन, क्या उपाय हैं? गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, नए साल में आप कोई भी प्रकार का पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में ना करें, वरना आपका पैसा अटक सकता है। दूसरा, आपके घर के जो बुजुर्ग है, आपके माता पिता है, जिनकी सेहत अच्छी नहीं रहती थी, तो नए साल में आपको अपने घर के, अपने परिवार के जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेहत में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपने शेयर बाजार में पैसा निवेश किया हुआ है, आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अगर आप कोई नए कार्य में, कोई नए व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं,
तो उसके लिए ये नया साल बहुत ही बेहतरीन है। वृश्चिक राशि की भी बात करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बताइए आचार्य जी कैसा रहेगा दिन। गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों ये नए साल में आपको एक ही संकल्प लेना है कि आपको अपने अंदर जो जिद्दीपन है, जो ईगो है, अहंकार है, उसे बाहर निकाल फेंकना है। अगर आपने जिद्दीपन किया तो वो आपके लिए नुकसानकारक साबित हो सकता है। जितना हो सके जमीन से जुड़े हुए रहिए, लोगों की बात सुनिए, समझिए और उसके बाद कार्य करिए, तभी जाकर आपकी मंजिल क्लियर होगी, तभी जाकर आपके जो रास्ते हैं वो क्लियर होंगे और आपको लगेगा कि कुछ अच्छी चीजें आपके साथ हो रही है। दूसरा, आप शादी कर लिए हैं पर वैवाहिक जीवन में झगड़े चल रहे हैं, तो वो झगड़ों का समापन के लिए, वो बात डिवोर्स तक आ गई है, उसे फिनिश करने का जो समय है वो अभी से 4 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है। फरवरी की 22 तारीख तक का जो समय है वो बहुत अच्छा है। दूसरा, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है मेडिटेशन। रोजाना आधा घंटा आप मेडिटेशन करें, उससे आपके शरीर का, आपकी एनर्जी का शुद्धिकरण होगा और आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि की, तो आचार्य जी धनु राशि के लिए बताइए। हम आएंगे धनु राशि पर। गणेश जी कहते धनु राशि वालों जो उतार चढ़ाव थे वो दूर होंगे और दूसरा, जो मेहनत कर रहे थे जिसका आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा था, आपको अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी कर रहे हैं बहुत सालों से, बहुत समय से प्रमोशन नहीं हुआ, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। जो लोग मैनेजमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग फाइनेंस सेक्टर के साथ जुड़े हैं, ये 3 सेक्टर वालों का ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, साथ साथ में कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो धनु राशि वालों मंगल आपको वो पुशअप देगा। मंगल का गोचर आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में मददगार रूप रहेगा। आगे बढ़ेंगे और बात मकर राशि की करेंगे, तो मकर राशि वालों के लिए बताइए आचार्य। गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों जो उतार चढ़ाव आप देख रहे थे, जो इनस्टेबिलिटी देख रहे थे, वो उतार चढ़ाव अब आपको दूर होते नजर आएंगे। यानी कि अब आपका जो करियर का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर होते नजर आएगा, पर पर्सनल लाइफ में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्स्ट्रा मैरिचुअल अफेयर नहीं रखना है और अगर हो तो उस पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है, वरना दिक्कतें आ सकती है। मकर राशि वालों, आप नेटवर्किंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, अगर आप अपना नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके जैसा कोई है ही नहीं। कोई भी कार्य में आगे बढ़िए, आपका जो मनोबल है वो आपको नए साल में मजबूत होता नजर आएगा। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और इम्पोर्टेंट डिसीशंस, महत्वपूर्ण निर्णय आप ये नए साल में ले पाएंगे। कुंभ राशि की बात करेंगे, तो कुंभ राशि के लिए बताइए आचार्य जी कैसा रहेगा दिन। हम आएंगे कुंभ राशि पर। गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, परिणाम नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता, कभी कभी भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है। जब तक भाग्य आपका साथ नहीं देता है, लक आपका साथ नहीं देता है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो लक को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है कुंभ राशि वालों, लक को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो जरूरतमंद लोगों की मदद करें। आप चौराहे से जा रहे हो, पैसे नहीं हो, आपकी गाड़ी में अगर पानी का बोतल हो तो पानी आप दीजिए, जितना हो सके उतना मदद करिए, तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी और वो ब्लेसिंग से आप जिस मुकाम पर जाएंगे शायद आपने विचार भी नहीं किया हो। दूसरा, मंगल और चंद्र आपको स्लोली स्लोली ग्रोथ देंगे। आप देखिए आपका जो करियर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर आप एक साथ बड़ा करने का सोचेंगे वो नहीं होगा, आपको एक एक स्टेप लेना है। थोड़ा थोड़ा अगर आप कार्य करते हैं तो आप आसमान पर पहुंच सकते हैं। जो लोग हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, जो लोग की सेहत में दिक्कतें लग रही थी, तो सेहत में भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आखिरी राशि की, तो मीन राशि है, तो मीन राशि वालों के लिए बताइए आचार्य जी कितना खास है। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों यह नया साल आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, पर अपॉर्चुनिटीज तो आपको हर बार मिलती थी,
अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे उसे सिलेक्ट करें, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो प्रॉपर प्लानिंग अपने दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ आप शेयर करके उनका अभिप्राय ले सकते हैं और उसके बाद आपको डिसीशन लेना है। मीन राशि वालों, यह समझ लीजिए कि अभी लिया हुआ डिसीशन आने वाला समय आपका तय करेगा, तो आपको ऐसा कोई भी डिसीशन नहीं लेना है कि जिससे आपको तकलीफें हो। हर एक प्रकार का बदलाव ये नए साल में संभव है, भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा पर जाने के बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं, नया साल आपको यात्रा 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 करवाते ही रहेगा, और धार्मिक यात्रा भी और काम के सिलसिले में भी आप यात्रा पर जा सकते हैं। 12 राशियों के लिए नया साल दीपावली कैसा रहेगा ये हमने आपको बताया, और साथ ही वो उपाय जो आपको ध्यान में जरूर रखना है, और साथ ही अपने त्योहार की शुरुआत करनी है, नए साल की शुरुआत करनी है। आचार्य जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।